हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट नर्सिंग एजुकेशन। सो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग हर दिन न्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो आज पहला सिस्टम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लेट स्टार्ट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन का डाइजेशन किस किस प्रोसेस से होकर जाता है, ठीक है। सबसे पहले ही जो प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन होता है वो होता है माउथ, ठीक है। माउथ के बाद होता है टीथ के बाद होता है टंग, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर इजियोफिगर्स, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारे फूड स्टार्टिंग जो होते हैं प्रोसेस, वो सबसे पहले माउथ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो हम लोग का फूड का डाइजेशन है वो आधा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है माउथ में। हम लोग जब भोजन को लिए, ठीक है, तो फूड खाएं, तो वो फूड माउथ के थ्रू टीथ से इसको च्यूइंग किए, ठीक है, कटिंग किए, देन टंग से उसको सलाइवरी ग्लैंड्स, उसमें जो सलाइवा सिक्रेट होता है वो फूड को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो फूड जो बोलस में कन्वर्ट हुआ है वो इजियोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आधा एब्जॉर्प्शन वहीं हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, जैसे पैनक्रियाज से हमारा पैनक्रेटिक जूस निकलता है, ठीक है। जो स्टोरेड गॉल ब्लैडर में बाइल जूस होते हैं वो स्टोरेड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, ठीक है। लीवर से बाइल सिक्रेट होते हैं, ये सब एंजाइम जो हैं वो सिक्रेट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वहाँ पे आधा डाइजेशन यानी फुल डाइजेशन ऑफ कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन जो अनअब्जॉर्ब फूड होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की मदद से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक प्रोसेस का नाम, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसमें सबसे पहले क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ मान लीजिए फूड कोई खाए, ठीक है, फूड माउथ के थ्रू में गया, माउथ उसको क्या किया, पास किया, ठीक है, इजियोफेगस में। इजियोफेगस में पास करने के बाद वो कहाँ गया, स्टमक में गया, ठीक है, स्टमक में गया। यहाँ पे स्टमक में जाने के बाद वहाँ एसीएल होता है, ठीक है। एसीएल जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो ब्रेक डाउन करता है फूड को, देन वहाँ पे हाफ डाइजेशन हो जाता है, बट उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर हम लोग का जो फूड होता है यानी बोलस, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। ये हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये जो पार्ट है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन से एसीएल आया, पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस आया, लीवर से बाइल जूस आया, ये सब जो तीन एंजाइम्स हैं वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज डाइजेशन में ऑल्सो रोल ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ये लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के थ्रू निकल जाते हैं बाहर शरीर से, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो नेक्स्ट आते हैं, अब मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है, इट्स अ डिटेल पार्ट्स, ऑल पार्ट्स ऑल्सो नोन। तो सबसे पहला है माउथ। माउथ जो होते हैं, सबसे पहले इनटेक ऑफ होल फूड, हम लोग भोजन जो भी खाते हैं वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माउथ के बाद वो कहाँ गया, टीथ। टीथ क्या करता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। हम लोग जानते हैं कि खाना खाएं, खाना खाने के बाद जो टीथ होते हैं ऑल्सो हेल्प करते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टीथ प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आते हैं टंग। टंग क्या करता है, वो फूड को रोल करने में मदद करता है, ठीक है। और टेस्टिंग ऑफ फूड, हम लोग जानते हैं कि द टेस्ट बर्ड ऑफ टंग, ठीक है, क्योंकि हमारे जो टंग में 100 टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है, हम लोग मतलब हमारा जो जीव होता है वो 100 बर्ड्स को टेस्ट कर सकता है। उसके बाद और क्या हेल्प करता है, टंग निगलने में मदद करता है, पुश करने में मदद करता है फूड को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, ठीक है। ग्लैंड्स के बारे में मैं आपके लिए लेक्चर लाऊंगी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, क्योंकि हम लोगों को ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ग्लैंड्स जो है ऑल्सो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हेल्प करते हैं ग्लैंड्स, वो है स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, हम मैंने पहले ही आपको बताया था कि स्लाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है, सलाइवा। सलाइवा इज़ ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, बिकॉज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन माउथ ऑल्सो स्टार्ट। तो आधा डाइजेशन हम लोग का माउथ से शुरू हो जाता है,
है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या किया, सिक्रीट किया सलाइवा, सलाइवा सिक्रीट करने के साथ साथ म्यूकस भी सिक्रीट किया, ठीक है, जो कि बहुत स्टिकी होता है, जिलेटेनियस मटेरियल होता है दैट लाइन्स योर लंग्स, ठीक है, जो हमारा लंग्स का जो लाइनिंग होता है ना उस टाइप का होता है, थ्रॉट एंड माउथ, मतलब जितना भी हम लोग का जो म्यूकस सिक्रीट होता है ऑल्सो इंक्लूड हो जाता है हमारे माउथ में, ठीक है, जो फूड हम लोग खाए हैं फूड में वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज बाय सलाइवा, सलाइवा से क्या निकलता है, ग्लूकोज भी, ठीक है, क्योंकि स्टार्च कन्वर्टेड हो जाता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट आते हैं इज़ोफेगस, इज़ोफेगस क्या है, तो इज़ अ फूड पाइप ऑल्सो नोन एज, मैं लिख देती हूँ, ऑल्सो नोन एज, रेड मार्कर है ना, ठीक है, तो इज़ोफेगस क्या करते हैं, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो फूड जो जिस मूवमेंट से जाता है उस मूवमेंट का क्या नाम है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जो हम लोग फूड खाते हैं वो माउथ से स्टमक में जाते हैं तो कौन सा मूवमेंट शो करते हैं, इज अ कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द इज़ोफेगस, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो क्या करता है, फूड को कंट्रैक्ट करता है एंड एक्सपेंस करता है मसल्स में, ठीक है, जो हमारा इज़ोफेगस का जो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है मसल्स का वो, ठीक है। तो हम लोग का जो इज़ोफेगस है वो क्या किया, फूड को माउथ के थ्रू लिए, माउथ के उधर से स्टमक तक जो पहुंचाता है, माउथ टू स्टमक, इट्स अ इज़ोफेगस, ठीक है, वो इज़ अ कॉल्ड एज फूड पाइप, ठीक है, ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। आ सकता है क्वेश्चन कि इज़ोफेगस इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इज़ोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, ठीक है। तो नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है स्टमक, स्टमक एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जो स्टमक होता है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड उसमें प्रेजेंट होता है स्टमक में, वो सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस तीन तरह का उसमें होता है, एक होता है पेप्सिन, एक होता है SCL एंड दूसरा तीसरा होता है म्यूकस, ठीक है। तो जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, इंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ये तीन इंजाइम्स होते हैं, ये पूछा जाता है कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसमें जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है उसमें कितने सारे इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंजाइम्स, दैट इज नोन एज फर्स्ट पेप्सिन, सेकेंड इज SCL एंड थर्ड इज म्यूकस, जिसमें से पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है, ऑल्सो हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में, ब्रेक करने में प्रोटीन का, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कहाँ होता है, तो कौन से इंजाइम करते हैं, तो पेप्सिन। ये आते हैं क्वेश्चन कि विच इंजाइम इज ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, तो योर आंसर इज पेप्सिन। नेक्स्ट है SCL, SCL क्या होता है, SCL मिक्स द मीडियम एसिडिक, यानी हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग फूड खाते हैं वो स्टमक जाने के बाद वो मीडियम एसिडिक हो जाता है, ठीक है, तो ये ऑल्सो हेल्प इन मीडियम ऑफ एसिडिक। नेक्स्ट है म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, ये जो इंजाइम है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो हमारा स्टमक का इनर लाइनिंग होता है उसमें वो हेल्प करता है, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं एक और लेक्चर लाऊंगी जिसमें आप लोग को बहुत हेल्प होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे आती हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों का सबसे जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। ये सबसे लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, इसका जो लेंथ होता है सबसे लंबा होता है 6 to 7 centimeters, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो आप लोग से पूछा जाता है मतलब कि कहाँ सबसे पहले फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोगों को आंसर करना है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें तीन चीज़ का डाइजेशन कंप्लीटली हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स विच न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये मैक्रो होते हैं या फिर माइक्रो होते हैं, सो आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका जो सबसे पहले हम लोग वॉल पढ़ेंगे, ठीक है, वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट इंसर्टाइनल इंजाइम विच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज। अब हम लोग जानते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल होता है यानी सिक्रीट करता है कौन सा, इंसर्टाइनल इंजाइम, ठीक है। सारी इंजाइम्स का आप लोग नाम याद रखिएगा कि स्टमक से कौन सा इंजाइम सिक्रीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सा इंजाइम निकलता है, ठीक है। अब जो इंसर्टाइनल इंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन ऑल्सो कन्वर्ट इंटू एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स का फंक्शनल यूनिट है, आप लोगों को फंक्शनल यूनिट भी याद रखना होगा कि व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ फैट्स एंड ऑल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। ये तीन आपको याद रखना है और आप लोगों को कमेंट करना है कि ये तीन का फंक्शनल यूनिट क्या क्या है, ठीक है।
तो कमेंट कीजिएगा। अब मैं आती हूँ बी नंबर में। बी पूर बोल रहा है कि इट हैज़ विलाई, जिसको हम लोग विलाई जो होते हैं वो पूछ सकते हैं कि विलाई का सेप कैसा होता है, तो इट्स अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑल्सो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, फूड इनटू ब्लड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग का जो खाना हम लोग माउथ के थ्रू लिए वो बोलस के फॉर्म में स्टमक तक आया, ठीक है। स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम हेल्प किए वो ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे शरीर में ब्लड में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, फूड एब्जॉर्ब नहीं होते। जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू से बाहर शरीर से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स आप लोग को इतना बहुत डिटेल में बताई हूँ, तो आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रही हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट है सी, इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियास, ठीक है। अब जो हम लोग का सिक्रीशन हुआ लीवर से बाइल जूस का एंड पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस का, ठीक है, तो वो क्या किया, तो द फूड इज एसिडिक विच इज मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रेटिक एंजाइम्स ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग एंजाइम्स द पैनक्रेटिक सिक्रीट पैनक्रेटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। तो देखिए इस ये जो आंसर है ये बोल रहा है ना कि जो हम लोग का सिक्रीशन क्या क्या रिसीव होता है, ठीक है। लीवर से क्या सिक्रीट होता है, बाइल जूस। पैनक्रिया से क्या सिक्रीट होता है, पैनक्रेटिक जूस, ठीक है। अब जो फूड जो एसिडिक मीडियम है उसको कौन कन्वर्ट किया है, HCl, ठीक है, वो अल्कलाइन हो गया है। पैनक्रेटिक एंजाइम जो है पैनक्रेटिक जूस को सिक्रीट किया, वो कंटेन करता है ट्रिप्सिन। जो पैनक्रेटिक जूस में क्या क्या होते हैं, उसमें भी दो होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स, एक होते हैं ट्रिप्सिन और एक होते हैं लाइपेज। आप लोग को याद रखना है कि जो ट्रिप्सिन और लाइपेज है वो कौन से एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, कौन से जूस में वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, पैनक्रेटिक जूस में इन्वॉल्व होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और जो लाइपेज होता है वो फैट्स को इमल्सिफाइड करता है, ठीक है। लाइपेज ऑल्सो नोन एज द फैट्स इमल्सिफाइड, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या किया, डाइजेस्टिंग मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फैट्स को कौन इमल्सिफाइड करता है, तो लाइपेज, ठीक है। अब पढ़ते हैं फैट्स। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक दैट डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो देखिए जो फैट्स होते हैं ना, द इंटेस्टाइन में ऑफकोर्स प्रेजेंट होते हैं फैट्स, ठीक है, उसमें वो बहुत फॉर्म करते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब कि ठीक है। उसके बाद वो इंजाइम्स क्या करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ऑयली फूड को हम लोग को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग को बताना है कि फूड को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, हाउ मेनी आवर्स इन फूड डाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल, जो बाइल होते हैं जहाँ से सिक्रीट कौन कर रहा है, हम लोग जानते हैं कि बाइल स्टोर कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। अब ये क्या क्या जो बाइल होते हैं, बाइल सॉल्ट, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ग्लोब्यूल्स को तोड़ दिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी में, ठीक है। फिर वो एंजाइम एक्ट करते हैं ताकि फूड एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन से एंजाइम किस में होते हैं, कौन सा जूस में कौन कौन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ये लास्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। आपको ये प्रोसेस जो मैंने बताया 8 प्रोसेस, इट इज़ आल्सो नोन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या बोल रहा है कि यहाँ बहुत सारे, देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसका बी बोल रहा है कि जो रेस्ट मटेरियल बच गया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट्स अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल, फिर रेस्ट ऑफ मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस, ठीक है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, जो कि लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही था, क्योंकि हम लोग जानते हैं, मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ठीक है। तो 8 प्रोसेस में इसका फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग, आई होप यू अंडरस्टैंड, तो सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से न्यू टॉपिक लाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए, और अगर कुछ अगर आप अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को आंसर करने में हेल्प करूंगी। तो थैंक यू एंड सो माय चैनल।